दो दिन पहले एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि टीकाकरण का कार्य नहीं होता है, एनएम भी नहीं आती है। तो ऐसी बात नहीं है, कुछ लोगों का टीकाकरण छूटा हुआ था। हार्ट टू रीच एरिया में महीनों में टीकाकरण कार्य होता है, मार्च महीने तक का टीकाकरण हुआ है, लेकिन पब्लिक टीकाकरण सही रूप से है हो, इसलिए हम स्वयं अपने टीम के साथ में एज ए स्वास्थ्य विभाग का हम अध्यक्ष हैं, तो CDPO भी मौजूद हैं, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में राजाडेरा गाँव में टीकाकरण का शिविर लगाया गया है और छोटे हुए बच्चों का टीकाकरण का कार्य हुआ है और पोषाहार के लिए रागी लड्डू का भी हम लोगों ने वितरण कराया है। ये जो प्रकाशन न्यूज में कराया गया था ये मिथ्या है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी ने कराया है। अगला फिर विकास मेला, स्वास्थ्य मेला हम लोगों का 12 तारीख का इसी गांव के क्लस्टर पॉइंट में है, जिसमें कि काटा बेल बांस टोली सभी लोगों के में विकास का कार्य और स्वास्थ्य का कार्य किया जाएगा। राशन वितरण से संबंधित मामला को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो 10 KG का अनाज जो लोग मुफ्त मिलना है वो आज तक किलो को मिला ही नहीं है, इस पर आपको क्या कहना है? राशन का तो मामला प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी देखते हैं, लेकिन हमारे संज्ञान में है कि सही रूप से सभी लोगों को राशन का मिला है, वितरण हुआ है। अगर वितरण नहीं हुआ होगा तो ये जाँच का विषय है, जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई भी हो। कितने लोगों का टीकाकरण हुआ? अभी आज 15 से 20 लोगों का टीकाकरण हुआ है और अभी टीकाकरण हो ही रहा है। स्थानीय उत्पादन है, ये सुपर फूड है, सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व उसमें पाया जाता है और वो उसका अच्छा उपयोग कर पाए यहाँ के स्थानीय लोग, तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में भी सबको रागी लड्डू दिया जा रहा है। और मुख्यतः जो एनेमिक है माताएँ, धात्री माताएँ और मैम बच्चे, उनको ये उपयोग के लिए दिया जा रहा है। बाकी लोगों को उसका स्वाद और प्रचार के लिए कि उसको खा करके देखें कैसा है और उसका उपयोग करते रहें, वो फायदेमंद है, इस बात को बताया जा रहा है लगातार। आंगनबाड़ी केंद्र आपका यहाँ पर नहीं बना है, जिसके चलते बच्चों को दूर जाना पड़ता है, आधा अधूरा है, दो वर्षों से बंद है, दूसरे प्रखंड में लोगों को जाना पड़ रहा है, क्या कहना है? ये जो बिल्डिंग आधा अधूरा है वो अभी बनाने की बात हुई है, पूरा हो जाएगा और तब तक यहाँ बगल में किराए में ये सेंटर संचालित है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।